What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 6 एनिमे और मेन कैरेक्टर्स ओवरपावर्ड पार्ट 3। इसके पहले भी मैंने दो पार्ट में बात कर रखी है, तुम चाहो तो दो पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। नीचे कार्ड्स में शो रो और नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक्स और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जा करके चेकआउट कर सकते हो। देखो, मेरा ओवरपावर्ड एनिमे से मतलब ये है वह एनिमे जिनमें मेन कैरेक्टर एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है जो कि पूरी सीरीज में रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर से कई गुना ज़्यादा पावर रखता है, या तो उन पावर को छुपा के रखता है या फिर सबको बता के रखता है, ये उनकी स्टोरी पर डिपेंड करता है। आज हम उन्हीं में से कुछ 6 नई स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, या कहूँ मैं नए एनिमेज के बारे में बात करेंगे। मैं पहले ही बता दूँ कि मैं उन एनिमेज को मेंशन नहीं करता हूँ जिन एनिमेज को मैंने पुराने पार्ट्स में मेंशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जितने भी तुमको नया पार्ट तुम देखने जाओगे उन सब में नए तुमको 6 एनिमेज मिलेंगे। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को या इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने एनिमे ओताकू फ्रेंड्स के साथ, अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे प्लीज शेयर करें। ये चैनल 20K पहुंचने वाला है या फिर पहुंच चुका है, सो अगर हम 20K पहुंच चुके हैं तो कांग्रेचुलेशंस टू माय सेल्फ, थैंक यू। और अगर नहीं पहुंचा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6, हिनोमारु ज़ोमू। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, इसके नाम नीचे कार्ड्स में शो हो रहे होंगे, वहाँ पर भी तुम लोग इसके नाम को अच्छे से देख सकते हो। कोई प्रोफेशनल सुमो में कोई वेट लॉस नहीं होती है, ये एक बहुत ही सैविज स्पोर्ट है जिसमें कोई स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर पाता है, और जो भी चाहता है अपने उत्साह को पूरा करना वो रिंग में जा करके लड़ सकता है। लेकिन सुमो रेसलिंग में साइज रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर के पास नहीं होता है। हिनो जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग बंदा होता है, पर वो साइज रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। बेसिकली इसकी हाइट छोटी होती है जो कि साइज रिक्वायरमेंट होती है सुमो के लिए। इस स्मॉल बॉय के काफी बिग ड्रीम्स है ऑफ रीचिंग द हाईएस्ट क्लास ऑफ सुमो। सो क्या हमारा मेन कैरेक्टर इस हर्डल को ओवरकम कर पाएगा इस एनिमे में, ये आपको देखने में बहुत मजा आएगा। नंबर 5, शिनको नोमी। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, नीचे कार्ड में शो हो रहा होगा। सो ये जो एनिमे, इसिकाई फैंस, दिस इज फॉर यू। एक दिन एक आदमी जो खुद को गॉड बताता है सडनली एक स्कूल के इंटरकॉम को हैक करके सबको ऑर्डर करता है टू ऑल इट्स स्टूडेंट कि इकट्ठा होकर के एक टीम बना ले और खुद को प्रिपेयर कर ले इसिकाई होने के लिए। वहाँ पर उन सबको स्पेशल स्किल मिलती है इन होप कि वो वहाँ पे जाकर के हीरो बन सके और डीमन लॉर्ड को हरा सके। डीमन लॉर्ड वो जो कि इस वर्ल्ड को तबाह करना चाहता है। वहीं पर होता है हमारा मेन कैरेक्टर सेची हिरागी जो कि स्कूल में बुलिंग को सफर कर रहा होता है उसकी समवट अनडिजायरेबल अपीयरेंस की वजह से। सो क्या हमारा मेन कैरेक्टर अकेला लड़ पाएगा उस वर्ल्ड के डीमन लॉर्ड से, ये जानने के लिए इस एनिमे को जरूर देखें। नंबर 4, साइते नो पलादीन। मरने के बाद एक नए वर्ल्ड में पैदा हुआ हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है विल, वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है मरने के बाद और देखता है उसके सामने एक घोस्ट, एक स्केलेटन और एक मम्मी को। रुइंस में रहने वाली ये 3 सदस्य हमारे मेन कैरेक्टर को सिखाते हैं और उसे पाल पोस्ट कर बड़ा करते हैं। ब्लड जो कि स्केलेटन है वो इसको लड़ना सिखाता है। घोस्ट जिसका की नाम है गूस वो उसको मैजिक और पैसे के बारे में अहमियत बताता है। वहीं पर जो मम्मी है वो उसे रिलीजियन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। सो क्या हमारा मेन कैरेक्टर्स बाहर के वर्ल्ड में इन तीनों के अलावा रह पाएगा और कैसे वो इस वर्ल्ड के डबल्स को या हबल्स को हैंडल कर पाएगा, ये आपको देखने में बहुत मजा आएगा। नंबर 3, अरिफुरेता। क्या होता है जब हमारे 17 साल के मेन कैरेक्टर और उसके दोस्तों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है जहां पर उन्हें उस वर्ल्ड में टास्क मिलता है इस वर्ल्ड को बचाने का। हाजिमा के साथियों को जहां पर अमेजिंग स्किल्स मिलती है मैजिक और कॉम्बैट प्रोवाइड करने की, वहीं पर हाजिमा यानी हमारे मेन कैरेक्टर को इंफीरियर सी ट्रांसमिशन स्किल मिलती है जिसमें खुद का कोई एक्चुअल ऑफेंसिव पावर्स नहीं होती है। सो क्या हाजिमा और उसके क्लासमेट्स बचा पाएंगे इस वर्ल्ड को डीमन से, या गॉड ही इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। नंबर 2, डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। अगर आपने डीमन स्लेयर का सीजन 1 देखा है तो आप जानते ही होंगे कि तांजिरो उसके साथ ही साथ निकलते एक डीमन को खत्म करने के लिए और नेजुको जो कि तांजिरो की छोटी बहन है उसको फिर से ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए। सो क्या तांजिरो इस मिशन में पास हो पाएगा, चलिए जानते हैं। जिसमें साउंड हसीरा एंड तेंजन उजी साथ देंगे इनका टू ट्रैवल योशिवारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में टू हंट डाउन डीमंस जिसने उस शहर में आतंक मचा रखा है। नंबर 1, बाकी। इस एनिमे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बाकी हनामा जो कि हमारे मेन कैरेक्टर है काफी इंटेंस फोकस एंड ट्रेनिंग के बाद कोशिश करता है अपने बाप यूजीरो को सरपास करने का जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है।
क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? दिस इज अ मस्ट वॉच एनिमे अगर आप एक ओपी एनिमे ढूंढ रहे हो तो और अपने बोर्डन को खत्म करना चाहते हो तो। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम लोग 20K पहुंचने ही वाले हैं, सो अगर नहीं पहुंचे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। इसके पहले कि अगर तुमने दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा उनको भी जाकर के चेकआउट कर लेना। मैं अगर तुम लोगों को नहीं बता तो फिर से तुमको री इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये 10 वीडियोस की सीरीज है जिसमें मैं 10 वीडियोस डालूंगा जहां पे 10 पार्ट्स रहेंगे इसी सीरीज के। और इस सीरीज के बाद मुझे किस सीरीज पे काम करना चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और प्लीज अपनी टॉप 6 ओवरपावर्ड लिस्ट जरूर शेयर करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, क्या पता आपके लिस्ट अगले वीडियो में फीचर हो जाए।